नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए यूट्यूब से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। सांप भगाने के लिए करें इन मंत्रों का जाप। मंत्र हुम छुम ठा ठा। प्रयोग, किसी शुभ मुहूर्त पर इस मंत्र के 11,000 जप कर सिद्ध कर लें। इसके बाद जब कभी भी सर्प दिखाई पड़े तो उसकी ओर इस मंत्र को जपते हुए फूंक मारें या भभूत फेंकें। इसके प्रभाव से सर्प की गति अवरुद्ध हो जाती है, वह या तो आगे नहीं बढ़ेगा या तो लौट जाएगा या दूसरी दिशा में घूम जाएगा। मंत्र ओम ह्रीम ह्रीम गरुड़ाज्ञा ठा ठा। प्रयोग, किसी शुभ मुहूर्त पर इस मंत्र के 11,000 जप कर सिद्ध कर लें। इसके बाद जब कभी भी सर्प दिखाई पड़े तो यह मंत्र पढ़ते हुए जमीन पर एक लंबी रेखा खींच देने से सांप उस रेखा को पार नहीं कर सकता। ये रेखा लक्ष्मण रेखा की तरह सर्प के लिए अलंघ्य हो जाती है। मंत्र ओम ला 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 कुरु स्वाहा। प्रयोग, इस मंत्र के 7,000 जप करके सिद्ध कर लें। इसके बाद जब कभी भी सर्प दिखाई दे तो एक मिट्टी का खाली घड़ा वहां रख कर यह मंत्र पढ़ते हुए उस पर भभूत या फूंक डालने से सांप उसी घड़े में प्रविष्ट हो जाता है। बाद में ढक्कन से ढककर सर्प को पकड़ा जा सकता है। क्या आप उसे कहीं और ले जाकर छोड़ सकते हैं? मंत्र ओम प्लाह सर्प कुलाय स्वाहा अशेष कुल सर्प कुलाय स्वाहा। प्रयोग, इस मंत्र के 10,000 जाप करके सिद्ध कर लें। इसके बाद जब भी किसी सांप को देखें या आपको उससे डर लगे तो मिट्टी पर 7 बार ये मंत्र पढ़ते हुए फूंक मारकर सर्प की ओर फेंक दें। इसके प्रभाव से सर्प आगे ना बढ़कर किसी दूसरी दिशा की ओर घूम जाएगा। मंत्र मुलाजम आस्तिकम नमः। प्रयोग, होली दिवाली या फिर ग्रहण के अवसर पर इस मंत्र की 7 माला जप कर सिद्ध कर लें। इसके बाद कभी भी सर्प की शंका हो या दिखाई दे जाए तो इस मंत्र का उच्चारण प्रारंभ कर देना चाहिए। 21 या 51 बार जपते जपते सर्प वहां से चला जाएगा। पुष्प नक्षत्र में गिलाथ यानी कि गरुच लाकर उसके छोटे टुकड़े करके एक माला बना लें। इस माला को धारण कर लें। मार्ग चाहे कितना भी भयानक व अंधेरे से घिरा क्यों ना हो, सर्प भय से रक्षा होती है। मंत्र फकीर चले परदेश कुत्ते के मन में भावे। बाघ बांधूं बाघिनी बांधूं बाघिनी के सातों बच्चा बांधूं सांप बांधूं चोर बांधूं दांत बांधूं दाढ़ बांधूं देऊं दुहाई लूना चमारन की। प्रयोग, किसी भी मंगलवार को 108 बार जप कर ये मंत्र सिद्ध कर लें। उसके बाद जब कभी सर्प या सिंह दिखाई दे तो 7 बार ये मंत्र पढ़कर उसकी ओर फूंक मारने से वह आक्रमण नहीं करता। इस मंत्र के प्रभाव से वह मार्ग बदलकर दूसरी ओर चला जाएगा। मंत्र खह खह। प्रयोग, इस मंत्र को 7,000 बार जप कर सिद्ध कर लें। इसके बाद जब कभी सांप के काटने की सूचना मिले तो 108 बार इस मंत्र की फूंक मारकर अभिमंत्रित किया हुआ जल उस व्यक्ति को पिला दें। ये अभिमंत्रित जल सांप के काटे व्यक्ति को पिलाने से विष उतर जाएगा, लेकिन ध्यान रखें कि वह जल जमीन पर ना रखा जाए और ना ही उसे लेकर चलते हुए रास्ते में कहीं भी अपवित्र स्थिति जैसे शौचालय में ना ले जाएं और ना ही लेकर जाने वाला व्यक्ति कहीं पेशाब करने रुके। ये भी ध्यान रखें कि उस जल को कोई अन्य व्यक्ति ना देखे और ना ही छुए। मंत्र बजरी बजरी बजर के वाड़ बजरी कीलू आस पास मरे सांप होए खाक मेरा कीला पत्थर कीले पत्थर फूटे ना मेरा कीला छूटे मेरा भक्ति गुरु की शक्ति फरो मंत्र ईश्वरो वाचा। प्रयोग, यह मंत्र यह सर्प स्तंभन का मंत्र है। इस मंत्र के 108 जप कर सिद्ध कर लें। यदि कहीं मार्ग में या घर के आंगन में सर्प घेर ले या श्रमण कर रहा हो तो इस मंत्र को पढ़ते हुए मिट्टी के छोटे छोटे ढेले या कंकर फूंक कर सर्प को मारने से वह स्तंभ है और फिर किसी और सरक नहीं सकता। मंत्र कीलन भई कुकीलन वाचा भया कुवाच जाहु सर्प घर आपने चुग फिर चारों मास। प्रयोग,
स्तंभित सर्प को मंत्र पढ़कर कंकर मारने से वह स्तंभन मुक्त होकर एक ओर निकल जाता है। मंत्र: धर पटक धसनी धसनी सार, ऊपरे धसनी विष नीचे जाए, काहे विष्टु इतना रिसाए, क्रोध तो तोर हुए पानी, हमरे थप्पड़ तोर नहीं ठिकाना, आज्ञा देवी मनसा माई, आज्ञा विषय हरी राई दुहाई। प्रयोग: इस मंत्र का प्रयोग उस समय किया जाता है जब कोई व्यक्ति सर्प दंश की सूचना लाता है। जैसे ही कोई आकर ये बताए कि किसी को सांप ने काटा है, तो साधक तुरंत सूचना लाने वाले व्यक्ति को ये मंत्र पढ़ते हुए एक थप्पड़ मार दे। इस प्रयोग के प्रभाव से पीड़ित व्यक्ति पर विष आगे नहीं बढ़ेगा, फिर आप आराम से सर्प दंश का इलाज करवा सकेंगे। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।